गुड़ का मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि भाई 15 किलो गुड़ अगर मैं क्रश करता हूँ, गन्ना गन्ना 15 किलो गन्ना अगर मैं क्रश करता हूँ तो 10 किलो उसमें से जूस निकलता है, और 10 किलो जूस को मैं 5 घंटे उबालता हूँ और उसको ये करता हूँ तो 1 किलो गुड़ बन जाता है। ये 1 किलो जो गुड़ है ना, ये 15 किलो गन्ने में से निकला है। अब 15 किलो गन्ने की कॉस्ट क्या है, 15 किलो गन्ने की कॉस्ट क्या है, तो मैंने उसकी कॉस्ट निकाली जो शुगर फैक्ट्री में जाता है कम से कम भाव में। तो शुगर फैक्ट्री का आज का भाव है 5500 रुपए टन का, यानी 55 रुपए में 10 किलो आता है और 15 किलो के लिए करीब करीब 80 रुपए पड़ते हैं। तो 80 रुपए का तो मुझे गन्ना लग गया। उसके बाद में मैंने उसको 5 घंटे लकड़ी जलाई उसके ऊपर, तो उसका कॉस्ट पकड़ लो, उसका कॉस्ट पकड़ लो समझ लो 20-25 रुपया। और उसके बाद में लेबर लगा, काटने के लिए लेबर लगा, वो गुड़ घोटने के लिए मुझे लेबर लगा। तो कहने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि जो ये है कॉस्ट आपका गन्ने का 1 किलो गुड़ का, हाँ तो 1 किलो जो गुड़ बना तो वो गुड़ में जो है तो 120 रुपए कॉस्ट मुझे पड़ी, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे घर की कॉस्ट पड़ी है। एक बार समझिए, 1 किलो की, 1 किलो की, अब 1 किलो की प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मुझे कितनी पड़ी है, 120 रुपया। और बाजार के अंदर जो गुड़ मिलता है जीनी जी, यू विल नॉट इमेजिन, यू विल गेट इट विद इन 40-50 रुपीज, 40-50 रुपए में गुड़ बिकता है बाजार के अंदर। अब बिक रहा है तो नेचुरल, तो वो दुकानदार ने कितने में खरीदा होगा, किसान से उसने खरीदा है 25-30 रुपए में, क्योंकि वो तो 20 रुपए का गुड़ 40 रुपए में या 40 का गुड़ 50 रुपए में बेचेगा, 10-15 रुपए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो ये सोचिए कि वो कैसा मिल रहा है आपको। ये तो मैंने मेरे खुद की प्रोडक्शन कॉस्ट बताई, 120 रुपए मेरे घर का प्रोडक्शन कॉस्ट है गुड़ का। हाउ हाउ पीपल आर फीलिंग, गुड़ में क्या मिलाते हैं। तो मैंने उसका एक रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि उसके अंदर कितनी चीजें वो लोग मिलाते हैं। उसके अंदर सबसे पहली बात तो ऐसा है कि वो जो गुड़ बनता है तो वो गन्ना जो होता है वो एक तो फालतू में जो शुगर फैक्ट्री के अंदर का जो सड़े हुआ फेंके हुआ गन्ना रहता है वो एक तो यूज होता है। उसके बाद में शुगर फैक्ट्री के अंदर की जो शक्कर निकलती है, जो कहने का मतलब खराब हुई हुई शक्कर रहती है, यानी वो क्रिस्टलाइज नहीं होती है, एक आधी बार बिगड़ जाती है, तो ऐसी वो शक्कर रहती है उसके अंदर। और उसके अंदर उसको फिर साफ करने के लिए उसके अंदर सल्फर डालते हैं और कई कई कितने तो केमिकल डाल देते, और उसके बाद में वो गुड़ बनता है। वो सड़ेवा गलेवा खराब हुएवा गुड़ जो रहता है वो लेके उसको वापिस से रीगेन करके ये करते हैं, काफी केमिकल डाल के वो गुड़ मिलता है। देखो ये मेरे खेत का, ये जो ये गन्ना जो ये जो गुड़ है, आप इसका कलर देखिए, ये चॉकलेट टाइप, यानी जो कैडबरी चॉकलेट है ना, उस टाइप का ये गुड़ बन गया थोड़ा सा। मैंने सुना है ये शुगर और गुड़ की फैक्ट्री में जानवरों की हड्डियां का पाउडर यूज होता है साफ करने के लिए, ये सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो लोग तो नॉन वेज नहीं खाने वाले वेजिटेरियन और वीगन लोग चीनी और गुड़ खाते हैं, तो वो हड्डियां खा रहे हैं जानवरों की, और वो जानवर कोई गाय भैंस बैल को ही लेते होंगे, और क्या लेंगे, वो सस्ता पड़ेगा उनको जी। तो ये जो है सारी बातें ये लोगों ने समझना चाहिए कि क्या हो रहा है और वो क्या खा रहे हैं।